हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा ड्रेसिना प्लांट के ऊपर रहेगा, जो कि एक बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट है। फ्रेंड्स, ड्रेसिना प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती हैं नर्सरीज़ में। मेरे पास से तीन प्लांट हैं ड्रेसिना के। एक तो आप वैरायटी देख रहे हैं, ये वाली है, और एक ये वैरायटी है ड्रेसिना मार्जिनाटा, और एक और वैरायटी है जिसकी लीफ इसी तरह से हैं, बिल्कुल इसका कलर है। ये थर्ड नंबर का प्लांट मेरा ये है फ्रेंड्स, ये ड्रेसिना की वैरायटी है। ये भी ड्रेसिना का ही प्लांट है और काफ़ी लैगी हो गया है। ये देखिए कितना लंबा सा हो गया है। अब सोच रही हूँ इसकी मैं कटिंग जो है कर दूँगी, मानसून जब आएगा आपके से तो इसकी कटिंग में लगा दूँगी। काफ़ी लंबा हो गया है ये प्लांट, तो आज इसी प्लांट को लेकर मेरी पूरी वीडियो रहेगी। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस प्लांट के लिए दूँगी फ्रेंड्स, तो वीडियो में अंत तक बने रहे फ्रेंड्स। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हम इसको प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड तो इसका ये होता है फ्रेंड्स कि आप इसको कटिंग के द्वारा आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपका प्लांट ज़्यादा लैगी हो गया है तो आप उसकी कटिंग करके आप लगा दीजिए, तो वो ग्रो हो जाएगा। और दूसरा इसका मेथड ये है कि आप इसको जो है इसकी मल्टीपल ये यहाँ से निकलने लगते हैं, क्योंकि तो मेरा प्लांट नया है, ये 6-7 महीने पुराना होगा अभी ये प्लांट, तो ये मल्टीपल होता रहता है यहाँ नीचे से, तो आप उससे भी इसको अलग करके डिवाइड करके लगा सकते हैं। कटिंग से भी लगा सकते हैं और डिवाइड करके भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि ये मैं प्लांट लेकर आई थी ड्रेसिना मार्जिनाटा का, तो इसको अगर मैं चाहती तो इसमें देखिए इसमें ऑलरेडी 3 मल्टीपल निकले हुए थे ये इसकी प्लांट्स, तो मैं चाहती तो इसको अलग अलग करके लगा सकती थी, लेकिन मैंने इसको एक ही गमले में इसको लगा दिया है। तो ये इस तरह से जो है मल्टीपल होता रहता है ये प्लांट, तो इसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, या तो आप इसकी कटिंग के द्वारा भी इसको लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसको आपको किस एरिया में रखना है, तो इसको आप शेड में ही रखें फ्रेंड्स, सेमी शेड में रखें इसको, क्योंकि ब्राइट लाइट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सीधी धूप में इसको रख देंगे तो इसकी जो लीफ होती हैं वो आगे से जो इसकी टिप होती हैं वो बर्न हो जाएंगी, जलने सी मतलब बर्न हो जाती हैं, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसको आप सेमी शेड में ही रखें, फुल सन में मत रखें इसको। और इसमें जो वाटरिंग की बात करें तो पानी इसमें नमी बनाकर रखनी होती है फ्रेंड्स, इसमें तो मैंने अभी पानी दिया है देखिए, और जो इसकी मिट्टी है वो वर्डन ही बनेगी फ्रेंड्स। इस तरह से पानी बिल्कुल भी इसमें रुकना नहीं चाहिए और नमी बना के रखनी, इसमें पानी मुझे भी देना है, ये सूख सी गई है मिट्टी बिल्कुल। और इसमें कोकोपीट की कोई नीड नहीं होती है विशेष, कोकोपीट आप ना भी डालें तो भी ये प्लांट चलता रहेगा। और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है इसमें, मंथ में एक बार दे दीजिए, या आप जब लगाते हैं प्लांट वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल के तब लगा दीजिए, ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र की भी नीड नहीं होती है इस प्लांट को। और टाइम टाइम पर जो है आप इस प्लांट को नहलाते रहिए, ऐसे आप गमले में पानी ज़्यादा मत दें, लेकिन इसको जो लीफ होती हैं इनकी, इनको आप प्रॉपरली पानी से वॉश करते रहें, तो इनकी पत्तियों में जो है शाइनिंग बनी रहती है। और ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ ही गर्मियों में काफ़ी अच्छा करता है फ्रेंड, गर्मियों में इसका ग्रोइंग सीजन होता है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। और अगर अभी बात करें तो अभी देखिए इसमें नई नई ये लीफ निकल रही है, देखिए अभी भी ये ग्रोथ कर ही रहा है, इसको मैंने शेड में ही रखा हुआ है। और देखिए कितनी सुंदर इसकी पत्तियां हैं, देखिए कितना अच्छा शेड है इन लीव्स में। तो जो तीसरा नंबर का प्लांट है उसमें कुछ और शेड है, और उसमें देखिए इस तरह से नई पत्तियों में ये शेड आ रहा है, और अभी भी इसमें नई लीव निकल रही हैं, लेकिन जुलाई में है, जुलाई अगस्त में काफ़ी अच्छी ग्रोथ ये प्लांट करता है फ्रेंड्स। तो हमने बात कर ली कि कैसे इसको लगा सकते हैं, कैसा इसका फर्टिलाइज़र कैसे देना है, और कैसी इसकी मिट्टी बनानी है फ्रेंड्स। तो और ये शेड में ही रहने वाला प्लांट है, इंडोर प्लांट है और ऑर्नामेंटल प्लांट है, तो आप इसको ज़रूर अपने घर में ऐड करिए अगर आपके पास नहीं है तो।
और बहुत ही कम केयर में चलने वाला ये प्लांट है। एक बार आप ले आइए और आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। बहुत ही अच्छा प्लांट है और इसकी लीफ की सुंदरता तो आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।